चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा जो कि 17 मार्च का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे का, तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैंने सब कुछ अपडेट्स आपको दिए थे, जो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स, की लेवल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो देख रहे हैं, मैं अगर आपने देखा नहीं तो देखिए किस तरह के मेरे लेवल्स काम कर रहे हैं। मैंने मॉर्निंग में आपको क्या दिया था, जो कि 39,050 का जो लेवल है वो की लेवल है। जैसे 39,050 के अबाउट सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी ने किस तरह का रैली दिया आपने देखा होगा। मैंने चार्ट भी यहाँ पे पोस्ट किया, देख सकते हैं। यहाँ पे 39,050, देखो 39,050 का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, उसके बाद नीचे की तरफ वाले इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हुए जैसे उसके अंडर उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, पिछला वाला स्विंग भी ब्रेक हो, तो बढ़िया मोमेंटम अपसाइड पे देखने को आया। तो इस तरह के की लेवल्स अगर चाहिए, इस तरह का सब कुछ एनालिसिस चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके तरह तरह के एनालिसिस और सब कुछ मिला। प्रीमियम ग्रुप में मैंने क्या डाला था कि प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने यहाँ डाला था कि 39,050 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जैसे चला गया तो यहाँ पे अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो आप एक बार देखिए मेरा जो एस्ट्रो टाइम से, एस्ट्रो टाइम भी अगर आपको फॉलो करने तो टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मैं एस्ट्रो टाइम्स वगैरह जो आज के जो एस्ट्रो टाइम थे वो भी देख सकते हैं। 9:30, 10:30 और 1:10, 1:10 के बाद भी क्या हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखे तो 1:10, अगर 1:10 अगर देखे तो यहाँ से परफेक्टली मार्केट ने परफेक्ट सपोर्ट लिया, एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में देखने को मिला। उसी तरह से जो मार्केट 11:30 का जो टाइम था, तो ऑलमोस्ट अगर देखे तो 11:30 से भी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। और जो कि मार्केट में 9:30 और 10:30 का जोन था वही पे एक साइडवेज देखने को मिला। जिन लोगों ने यहाँ पे टाइम के साथ भी ट्रेड किया होगा तो उनको भी अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। तो चलिए भी निफ्टी देख लेते हैं। 16,977 पे ट्रेड कर रहा हूँ अभी, इसके ऊपर अब 17,000 के नियर बाय ऑलमोस्ट मेरे को लगता है यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ से ऑलमोस्ट देखे तो बैंक निफ्टी कितना गंदी गंदी तरीके से गंदी तरह से गिरा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे निफ्टी भी देखे तो एक बोर्ड जो 17,050 का जो मेरा की लेवल था वही से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो की लेवल्स है, मेरे जो की लेवल्स रहते हैं परफेक्टली वर्क करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे मॉर्निंग में 17,050, यहाँ पे क्यों की लेवल्स दे उसका रीजन मैं बताऊंगा, जो वीडियो पूरा देखेगा उसको भी पता चलेगा। तो यहाँ पे जब 39,000, देखो 39,000 एक राउंड फिगर नंबर है, इसके ऊपर जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, जिन लोगों ने सेल किया होगा, इसके स्टॉप लॉस 39,950 के अबव लगेंगे। जैसे ही इसके ऊपर जान चलेगा, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस है उनके कट्टे चालू हो जाएंगे, वो इसे डाउन साइड का मोमेंटम अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। उसी तरह से जो कि 17,000 का जो राउंड फिगर नंबर है निफ्टी का, इसके ऊपर 50 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनके SLA, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे वो निकलेंगे नहीं। और आज वैसे हुआ, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रख ली देखने को ले, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे नहीं देखने को मिली, उसकी वजह से एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन नीचे की तरफ जैसे 16,000 का राउंड फिगर नंबर था, उसके 9:30 के अबव सस्टेन किया, तो एक निफ्टी में अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी का चार्ट अगर देखे तो 9:50, अगर देखे तो 9:30, देखो 9:30 से यहाँ पे सपोर्ट ले, एक बढ़िया मोमेंटम देखने को। लेकिन बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग था, बैंक निफ्टी ने अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे दे दिया। चले कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे देखेंगे। निफ्टी अगर देखें तो जो अभी डेली कैंडलस्टिक में, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नीचे के लोअर लेवल से, जो कि 16,800 का मैंने जो सपोर्ट बोला था वही से उसके नियर बाय यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि रिकवरी कैंडल देखने को मिला। लेकिन कल अगर जब आज का जो हाई इसके ऊपर निकल जाए, तभी एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो कल अगर ट्रेड करना है तो आज का हाई के ऊपर, लेकिन अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर प्राइजेशन क्या बन रहा है उसको देखेंगे, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी के लिए यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखे तो एक रेंज बना था, जो कि इनसाइड कैंडल भी बना था, 15 मिनट में 5 मिनट में भी रेंज बना था। उस रेंज को जैसे ब्रेक डाउन दिया था, एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिला। अभी जो मार्केट का जो ट्रेंड है, मैं एक बार ट्रेंड लाइन खींच के दिखा दूँ, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ सकती है। ऑलमोस्ट पिछली वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसको ही मैंने यहाँ से अगर इसको ड्रैग कर दिया तो परफेक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कल मार्केट ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट कल ब्रेक करता है तो तभी एक मोमेंटम अपसाइड को देखने वाला, जो कि आज का है, जो कि 17,060। और इसका लॉजिक मैंने आपको पहले बताया दिया, तो इसके ऊपर निकलेगा तो लोगों के स्टॉप लॉस कटने चालू हो जाएगा, ऊपर की तरफ का मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9:50 इस लेवल के नीचे निकलता है तो सब यहाँ पे बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे जब 16,880 के नीचे निकलेगा तभी एक देखने को मिला। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स आपके चार्ट पे दिख रहे हैं ड्रॉ कीजिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज अ वर्क करेंगे। चलिए अभी ऑप्शन चेन डेटा देख लेते, लेकिन ऑप्शन चेन डेटा देखने से अभी तो एक्सपायरी हुई है तो यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा परफेक्टली नहीं आ जाएगा, तो इसको मैं मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे वीडियो बना के दूंगा। तो ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए नहीं देखेंगे। बैंक निफ्टी देखते हैं। चलो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे,
किस तरह से रहेंगे। आज का जो ऑप्शन चेन डेटा है वो आज की एक्सपायरी के बाद ही प्रॉपर सेटल डाउन हो जाएगा और मॉर्निंग में पता चलेगा, तो उसको मॉर्निंग में ही अपन यहाँ पे देख लेंगे। ग्रीन कैंडल बनाए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी कल अगर 39,880 देखो इसके हाई के ऊपर निकलता है तभी एक मोमेंटम तो देखने को मिला, लेकिन उससे पहले कौन सा मोमेंटम देखने को मिला, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट वो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने जोन डाला था जो कि 38,950 का लेवल था, यहाँ पे 100 पॉइंट्स में यहाँ पे बहुत मार्केट ने ट्रैप किया, लेकिन 38,050 का वो जैसे ब्रेक डाउन किया था एक बढ़िया मोमेंट अपसाइड के देखना। अभी फिर से देखिए 39,050 को सपोर्ट लेयर, वही से 50 पॉइंट का बाउंस बैक है, तो कल इंपॉर्टेंट है ये जोन। इस जोन में अगर आता है तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 39,500 लेवल का सपोर्ट यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है अपसाइड या डाउन साइड में, तभी एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन आपको फ्रेश शॉर्ट बनाना है तो यहाँ पे नहीं, इसके नीचे जो कि 38,900, 38,900 के नीचे निकलता है तभी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन भी खींचू तो वहीं पे आएगा और इसके नीचे ही मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए सोचूंगा। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए मेरा शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन यहाँ से फिर से एक ट्रेंड लाइन भी दिखा दो तो अपसाइड के लिए कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो इस सिमेट्रिकल टाइप ऑफ ट्रायंगल में जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड एक बढ़िया मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। फिन निफ्टी अगर देखें तो फिन निफ्टी भी देख सकते हैं, फिन निफ्टी के लिए अपन ने जो लेवल दिया था कल का जो कि 440, तो इसको भी ब्रेक कर दिया 450 को, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला। अभी भी इसमें जो पैटर्न जो बोल रहा है ऑलमोस्ट अगर देखें तो असेंडिंग टाइप ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, कल अगर समझो यहाँ पे कोई भी डाउनफॉल आता है यहाँ पे सपोर्ट लेते तो यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। 360 के नीचे ही यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा और अपसाइड के लिए फिर से अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए मोमेंटम फिर निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन से लेवल इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। जिन लोगों ने यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं जो एजुकेशन पर फिर रील्स वगैरह रहते तो वो डाल देता हूँ। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, सब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन करना है तो प्रीमियम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह जो कॉल्स रहते हैं एजुकेशन पर्पज में आपको डालता रहूंगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।